हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल अतुल एजुकेटर में। दोस्तों, आज हम फ्लूइड डायनेमिक्स इस ब्रांच में से नेचर ऑफ फ्लूइड यानी कि रेनॉल्ड्स एक्सपेरिमेंट डिस्कस करने वाले हैं। उसमें हम इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ रेनॉल्ड्स एक्सपेरिमेंट, कंस्ट्रक्शन, कंडीशन, रेनॉल्ड्स नंबर एंड एप्लीकेशन ऑफ रेनॉल्ड्स नंबर डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, आप अगर इस चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पर क्लिक कर दीजिए, यानी कि फार्मेसी सिलेबस से रिलेटेड अगला वीडियो आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, एक्चुअल टॉपिक को शुरुआत करने से पहले हमें फ्लूइड डायनेमिक्स समझना बहुत जरूरी है। फ्लूइड डायनेमिक्स इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच इज डील्स विद द स्टडी ऑफ फ्लूइड इन अ मोशंस। मोशन में जो फ्लूइड होता है उसका स्टडी करना मतलब फ्लूइड डायनेमिक्स होता है। एप्लीकेशंस ऑफ फ्लूइड डायनेमिक्स। फर्स्ट एप्लीकेशन, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डोसेज फॉर्म। डोसेज फॉर्म मैन्युफैक्चर करते समय हमें फ्लूइड डायनेमिक्स का कंसर्न आता है। सेकेंड एप्लीकेशन, हैंडलिंग ऑफ ड्रग्स फॉर एडमिनिस्ट्रेशन। ड्रग्स का एडमिनिस्ट्रेशन करते समय भी हमें फ्लूइड डायनेमिक्स इस ब्रांच का यूज होता है फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स। ओके दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के हमारे एक्चुअल टॉपिक को, नेचर ऑफ फ्लूइड फ्लो। यानी कि रेनॉल्ड्स एक्सपेरिमेंट। ओके, तो देखते हैं इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ रेनॉल्ड्स एक्सपेरिमेंट। द फ्लो ऑफ फ्लूइड थ्रू क्लोज चैनल मींस पाइपलाइन कैन बी आइदर विस्कोस और टर्बुलेंट। पाइपलाइन में से जो फ्लो होता है वो या तो विस्कस होता है या तो टर्बुलेंट। विस्कस और टर्बुलेंट। विस्कस को समझने के लिए हमें हनी का एग्जांपल लेना होगा। हनी अगर हम एक जगह से दूसरी जगह अगर फ्लो करेंगे तो विस्कसली फ्लो होगा, यानी कि लेयर अपॉन लेयर स्ट्रक्चर फॉर्म होगा। कंसीडर दिस इज ड्रॉप ऑफ हनी एंड फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर एज दैट। एंड इन केस ऑफ टर्बुलेंट दिस इज पाइपलाइन एंड द फ्लो ऑफ फ्लूइड इन ऑल डायरेक्शंस फ्रॉम पाइपलाइन। ओके, इट इज विस्कस एंड इट टर्बुलेंट। तो देखते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ रेनॉल्ड्स एक्सपेरिमेंट। अ ग्लास ट्यूब इज कनेक्टेड टू द रिजर्वायर ऑफ वाटर। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर थ्रू द ट्यूब कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज विद द हेल्प ऑफ वॉल। दिस इज अ वॉल इज कनेक्टेड टू द वाटर रिजर्वायर। A reservoir of the color solution is connected to the another end by using the nozzle. The color solution can be introduced into the glass tube. The fine steam from the experiment setup, the following observation made by concluding can be drawn. This color solution is also attached to the tube at another end by using the nozzle, and this is water connected to the another end by using the walls. We increase or decrease the flow of water, and this is from formation of color jet. Color liquid jet is occur in a glass tube. Okay, this case is viscous flow. And in case of turbulent flow, this is a glass tube. Color reservoir, it is a nozzle, and the color solution not in a straight line, it is a turbulent flow. Okay, and it is a viscous flow at a one line flow, and it is a turbulent. Okay, so dosto ab discuss karte hain conditions.
कंडीशन नंबर ए। इसमें अगर वेलोसिटी ऑफ वाटर लो है और हमने एक अनादर पहली केस में देखा था कि एक पॉइंट से हम कलर वाटर इंट्रोड्यूस कर रहे हो और अनादर पॉइंट से हम वाटर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। अगर हम वाटर की वेलोसिटी लो रखेंगे तब कलर सॉल्यूशन यह विस्कस यानी पैरेलली रन होगा फ्रॉम ग्लास ट्यूब। ओके, सेकंड कंडीशन नंबर बी। अगर वेलोसिटी ऑफ वाटर ज्यादा है तब द फ्लो ऑफ फ्लूइड्स फ्रॉम द ग्लास ट्यूब इज टर्बुलेंट एंड द थ्रेड विच इज फॉर्म्ड बाय द कलर वाटर इज डिसअपीयर एंड द होल वाटर फ्रॉम द ग्लास ट्यूब इज एज कलर सॉल्यूशन। ओके, कंडीशन नंबर सी में कहा गया है कि द चेंज ओवर ऑफ द फ्लूइड फ्रॉम विस्कस टू टर्बुलेंट इट इज मेनली डिपेंड अपॉन द क्रिटिकल वेलोसिटी तो देखते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी को। क्रिटिकल वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ एनी फ्लूइड एट विच द विस्कस फ्लो चेंजेस फ्रॉम टर्बुलेंट। विस्कस फ्लो को टर्बुलेंट में कन्वर्जन करने की कैपेसिटी जिस वेलोसिटी में होती है उसको हम क्रिटिकल वेलोसिटी बोलते हैं, टर्बुलेंट। ओके दोस्तों, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है रेनॉल्ड्स नंबर। फॉर्मूला डी यू रो एंड ईटा। हियर द डी इज अ डायमीटर ऑफ पाइप इन मीटर। सेकेंड यू इट इज अ एवरेज वेलोसिटी इट इज इन मीटर पर सेकेंड। थर्ड पैरामीटर इज रो इट इज अ डेंसिटी ऑफ लिक्विड इन केजी पर मीटर स्क्वायर। एंड लास्ट पॉइंट इज ईटा इट इज अ विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड। दोस्तों, रेनॉल्ड्स नंबर के लिए भी कुछ कंडीशन दी गई है, उनको भी हम शॉर्टली डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट, इफ रेनॉल्ड्स नंबर इज लेस देन 2100 देन द फ्लो ऑफ फ्लूइड सेड टू बी लैमिनार। लैमिनार मीन्स विस्कस। सेकंड केस, इफ द रेनॉल्ड्स नंबर इज ग्रेटर देन 4000 दैट टाइम द फ्लो ऑफ फ्लूइड सेड टू बी टर्बुलेंट। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ रेनॉल्ड्स नंबर। एप्लीकेशंस, फर्स्ट एप्लीकेशन, रेनॉल्ड्स नंबर इज यूज्ड टू प्रेडिक्ट द नेचर ऑफ फ्लो इन पर्टिकुलर सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट कंडीशंस। रेनॉल्ड्स नंबर इज यूज्ड
टू प्रेडिक्ट द नेचर ऑफ फ्लो नेचर ऑफ फ्लो दैट इज विस्कस और टर्बुलेंट टर्बुलेंट इन पर्टिकुलर कंडीशन ओके सेकेंड एप्लीकेशन द फिजिकल स्टेबिलिटी ऑफ सस्पेंशन डिपेंड अपॉन द रेट ऑफ सेटलिंग ऑफ पार्टिकल सेटलिंग के पार्टिकल पर फिजिकल स्टेबिलिटी ऑफ सस्पेंशन डिपेंड होती है यानी कि सेडिमेंटेशन थर्ड वन इज रेट ऑफ हीट ट्रांसफर इन लिक्विड ऑल्सो डिपेंड ऑन द फ्लो ऑफ वेदर विस्कस और टर्बुलेंट हीट ट्रांसफर विस्कस फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो पर डिपेंड होती है